गाइस वेलकम टू ARK व्लॉग्स। मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइबर के एक न्यू अपडेट के बारे में जो कि इसका रिलेटेड है इसके प्राइस के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। तो जो गाड़ी में अभी BS6 वेरिएंट आ चुका है, पहले गाड़ी BS4 में आ रही थी, तो BS6 के अंदर गाड़ी के अंदर कुछ दिखने में या कोई फीचर वाइज कोई चेंज नहीं किया गया है। गाड़ी बिल्कुल सेम वैसी ही दिखाई देती है जैसे कि पहले नज़र आती थी। इसके अलावा सेम सब कुछ सेम है गाड़ी के अंदर, सेम लंबाई चौड़ाई सारे फीचर सेम दिए गए हैं, पर गाड़ी का कुछ प्राइस का इंक्रीज़ किया गया है। वो प्राइस इस प्रकार से है जो मैं बता देता हूँ आपको। जो RXE वेरिएंट है उसके अंदर जो प्राइस इंक्रीज़ किया गया है वो किया गया है सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये का। पहले ये आता था 4,95,000 रुपये का, जो कि अभी कर दिया गया है 4,99,000 रुपये का। उसके अलावा जो RXL वेरिएंट आता था वो 5,59 का आता था, अभी उसका प्राइस कर दिया गया है 5,74,000 एक शोरूम। उसके अलावा जो RXT वेरिएंट आता था उसका प्राइस था 6,09,000 रुपये एक शोरूम, जो कि अभी बढ़ाकर कर दिया गया है 6,24,000 रुपये। उसके अलावा जो RXZ वेरिएंट है उसका भी प्राइस बढ़ाया गया है, उसका पहले एक शोरूम प्राइस था 6,63,250 रुपये, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 6,78,000 एक शोरूम प्राइस। उसके अलावा सेम अगर आप सेम सभी वेरिएंट के अंदर प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो लगभग तीनों वेरिएंट के अंदर ही ऊपर के वाले में 15,000 रुपये का इजाफा किया गया है। उसके अलावा अगर बेस वेरिएंट में देखते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा हाइक ना करते हुए उसको 4,99,000 एक शोरूम ही रखा गया है। बाकी गाड़ी के ऑन रोड प्राइस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, सेम 15-16,000 रुपये का डिफरेंस आया है। और बाकी गाड़ी चलने में भी सेम एग्जैक्टली वैसी है, मैंने पर्सनली गाड़ी को चला के भी देखा, सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। और इसके अलावा जो इसका अभी इससे पहले प्राइस अपडेट से पहले जो अपडेट आया था इसके अंदर, वो आया था इसके टॉप मॉडल के अंदर व्हील का। पहले जो व्हील आते थे वो 14 इंचज़ के व्हील आते थे सभी के अंदर, जो कि अब बढ़ाकर 15 इंचज़ के व्हील टॉप मॉडल के अंदर कर दिए गए हैं। और उसकी चौड़ाई भी अब इंक्रीज़ कर दी गई है, पहले 165 आता था और जो कि अब बढ़ा के 185 का कर दिया गया है। बाकी गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें सेम हैं और कोई मेजर इसके अंदर चेंजमेंट किया नहीं गया है। तो गाड़ी आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके देखिए कि गाड़ी चलने में कैसी है। बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ सेम एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, बस BS6 के नॉर्म्स को अब ये फॉलो करेगी और जो पोल्यूशन होगा उसको थोड़ा सा कम करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो कुछ काम की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में गाड़ी से रिलेटेड ही। थैंक यू सो मच।